नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो आने वाली जो भर्तियां है, विज्ञप्ति है, उसका जवाब चिकित्सा विभाग ने क्या दिया है और क्या आश्वासन दिया गया है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली है 30 सितम्बर से पहले पहले। सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हो, राजस्थान चिकित्सा विभाग ने कहा 30 सितम्बर तक विज्ञप्ति होगी जारी। ANM, GNM, CHO, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये आज ही का अपडेट है, आप देख सकते हो। दैनिक भास्कर का ये अपडेट है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आप देख सकते हो। चिकित्सा विभाग में 30 सितंबर तक जारी हो सकती है भर्तियों की विज्ञप्ति। दोस्तों, ये आश्वासन दिया गया है चिकित्सा विभाग के द्वारा कि 30 सितंबर से पहले पहले हम आपकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर देंगे। इसी को लेकर आप देख सकते हो, जयपुर से ये बड़ी खबर है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो, चिकित्सा विभाग की नई भर्ती में विज्ञप्ति जारी कराने को लेकर विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत सभा आयोजित की गई। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने बताया कि सी एच ओ मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ANM, नर्स ग्रेड 2, फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जारी कराने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा, चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी और ANM NHM PD ज्योति सागर ने भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन होना बताया है और 30 सितंबर तक जारी कराने का इन्होंने आश्वासन दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हो, NHM के जो PD ज्योति सागर है, उन्होंने भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन होना बताया है। उन्होंने कहा है कि कार्य अभी चल रहा है और 30 सितंबर तक हम आपकी विज्ञप्ति है वो जारी कर देंगे। इसी को लेकर ये बड़ी खबर है। दोस्तों, आप देख सकते हो, चिकित्सा विभाग से ये अपडेट है। और दोस्तों, जैसे ही इन भर्तियों से संबंधित कोई जानकारी होगी, दैनिक भास्कर की ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है दोस्तों। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।